आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक नए फैसले के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अगले 7 दिन में सेल्फ रिलायंस वीक सेलिब्रेट करने वाला है, यानी कि आत्मनिर्भर सप्ताह। इस वीक के दौरान कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये नए प्रोजेक्ट्स भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। फिलहाल इस चीज को लेकर पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन कुछ 5 चीजों के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो फोटोग्राफ्स आई हैं, उनके पीछे के पोस्टर्स को समझकर निकाली गई हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहला आइटम है मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। अभी फिलहाल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो लगता है ये बात हो रही है महिंद्रा ASLV और टाटा लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल की। इस कैटेगरी के व्हीकल्स भारतीय सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स टाटा और महिंद्रा बना रहे हैं, उस हिसाब से ये पूरी तरीके से देसी इनिशिएटिव होगा। महिंद्रा ASLV के ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो पहले से कर चुके हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला आइटम है नाग मिसाइल कैरियर, यानी कि नामिका का। BMP-2 की चेसी के ऊपर बनाया गया ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर काफी दिनों से तैयार हो चुका है, लेकिन नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर इसके ऑर्डर्स फंसे हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि इसके ऑर्डर्स दिए जाएंगे। अगला इक्विपमेंट है 14.5 मिलीमीटर की एंटी मटेरियल राइफल, यानी कि AMR। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरची विध्वंसक नाम की एंटी मटेरियल गन बनाती है। ये गन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हालांकि रक्षा मंत्री के पीछे जो बैनर था उसमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च लिखा हुआ था, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये राइफल विध्वंसक है या कोई और राइफल। इस तरीके की राइफल से आप दुश्मन के बंकर्स, रेडार्स, लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और स्टोरेज फैसिलिटीज को बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। अगला आइटम है कॉन्कोर्स मिसाइल और लॉन्चर को टेस्ट करने वाले इक्विपमेंट्स। भारत के पास में काफी मात्रा में कॉन्कोर्स मिसाइल हैं। ये मिसाइल्स थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, और इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि इन मिसाइल्स को पहले टेस्ट करके उसके बाद इनको डिप्लॉय किया जाए। हालांकि इन सिस्टम्स के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स पहले से भारत में मौजूद हैं, लेकिन लग रहा है कि इन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए देसी सॉल्यूशंस बना लिए गए हैं और उनको भी लॉन्च किया जाएगा। पांचवा और सबसे एक्साइटिंग इक्विपमेंट है अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल, यानी कि अंडर वाटर ड्रोन। LNT का अदम्य एक इसी तरीके का ड्रोन है। वैसे LNT के पास में कई अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल प्रोजेक्ट्स हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। इन सभी इक्विपमेंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो करेंगे। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।